गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। इट इज कंटिन्यूड फ्रॉम द लास्ट वीडियो, सो कांस्टेंट कंटिन्यूएशन। जय मां। हैव अ लुक। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि इसी पुकार को प्रतिसाद देने के लिए स्वयं वात्सल्य में रूप लेके अवतीर्ण हो गई है। अब देखो ये जो है अवतीर्ण हो गई, तो इसमें अवतार है क्या? फिर अवतार कल्पना क्या है? एक दृष्टि से 10 अवतार है या 24 है, ये सब बातें छोड़ देंगे। एक तो निश्चित रूप से जो भागवत स्वयं कहता है, अवतारः असंख्येयः, अगणित अवतार है। इतना भी नहीं कि वो सब अवतार अनेक प्रकार के हैं। अंश अवतार है, गुणा अवतार है, स्फूर्ति अवतार है, पूर्ण अवतार भी है, ये सब है। ये होते हैं किसके लिए? एक तो इस प्रकार कहते हैं अवत्रु अवतरती, बने ऊपर से नीचे आ गई, अवतरती। तो इसलिए कहीं से अपने स्थान से यहां आ गए, भगवान आ गए, मां आ गई, इसे अवतार कहा जाता है। स्वयं मां जब कहती है करवट बदलने के लिए भी स्थान नहीं है, तो ऊपर नीचे क्या बात है? फिर भी नहीं सकता। हमारी दृष्टि से जो जो कुछ आवश्यक है वो सब माने, उसका अंगीकार करके हमारे सामने आ गई है। देखो अवनय शब्द जो है, इसमें अवन, इसका अर्थ ये है प्रकट हो जाना, प्रसन्न करना, रक्षा करना, इच्छा करना, कृपा करना। कितने अर्थ है इसके? ये सब पहलू है मां के अवतरण के। इच्छा में तो है ही, हमें सिर्फ देखने से ही प्रसन्नता आ जाती है, वो भी अर्थ है। कृपा तो बरस रही है प्रतिक्षण। एक बार बंबई में भैया के यहां मां का पदार्पण था, सत्संग का समय था। वहां एक अंधे गायक, उनका नाम रामदास जी था, उन्होंने खास करके बुलाया था, बड़ा मधुर गान करते थे। तो वो बैठकर भजन कर रहे हैं, अंधे हैं, हारमोनियम बजाते हैं, विभूदा आदि भी साथ में थे, वो ये ढोलक बजा रहे थे। इतने में मां अंदर आ गई तो सब लोग उठ के खड़े हो गए। कीर्तन पार्टी जो तो कोई खड़ी नहीं होती, वो तो वो बैठे रहे। लेकिन अंधे हैं तो भी
अंधा आदमी जो होता आंख नहीं रहते लेकिन उसके कान ज्यादा काम करते हैं, तो जान गए कि लोग उठकर खड़े हो गए हैं, उठकर खड़े हो गए। मन ही मन सोच लिया कि शायद मां आई होगी। इसलिए जो गान वो कर रहे थे वो छोड़ दिया और गा रहे मैया बरस 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 बारी। बड़ा मीठा आवाज था और अपना अंधत्व कौन हरा सकता है, इसलिए एक अभिलाषा तो मन में थी, महाशक्ति है अगर कुछ चमत्कार कर देगी तो, अभिलाषा भी मन में थी। आर्त होकर गा रहे थे, सबके हृदय में भी एक विलक्षण भाव जागा हो गया कि कितना करुण स्वर से गा रहा है ये। माँ उनकी तरफ देखते देखते आ गई, सामने जाती लेकिन मुड़कर उनकी तरफ देख रही है, अपने आसन पर जाके बैठी, पूरा गान सुन लिया। विभुदा ने उनके हाथ पकड़ के माँ के पास लाया। माँ ने कहती है देखो कृपा तो बरस ही रही है, इसके लिए ही तो शरीर आया है, एक ही काम करो, अपना पात्र जरा सीधा कर दो। उल्टा रखा है थोड़ा सीधा कर दो। कृपा का वर्षा हो सदैव, अवनम तारते यस्य अवतारः, इसका दर्शन हमें तारता है, हमें प्रसन्न करता है। इस भवसागर में डूबने वाले को तारने के लिए जो आई है वही मां का अवतरण है। अवतार कल्पना जो है ना, तो एक दृष्टि से ऐसी ही है कि भगवान कहीं अपनी जगह है। गीता जी में जैसा कहा है यदा यदा धर्म से ग्लानिर भवति भारत, तो धर्म के ग्लानी जब होती है तब धर्म का उत्थान करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, सज्जनों का पालन करने के लिए, रक्षा करने के लिए मैं अवतार लेता हूं, तो बात तो सही होगी। लेकिन मां के जीवन चरित्र में हम ऐसा देखते नहीं है कि कोई वहां असुर है, लेकिन कोई प्रमत्त है, समझो यहां असुर वृत्ति का है, उसका निर्दालन कर दिया है, ऐसा तो देखने में नहीं आता। तो फिर क्यों आई है ये अवतार, हुआ ही क्यों ये, ये अवतरण किसके लिए है? तो इसलिए मैं बार बार ये बात आपसे कहता हूं कि जो शाकंभरी का अवतार है उसी के साथ थोड़ी तुलना हम कर सकते हैं। सिर्फ एक ही बात के लिए, अभी जो मैंने अर्थ बताया आपको, कि जिसका सिर्फ दर्शन ही तुमको विशिष्ट पद्धति से आह्लादित कर सकता है, शाश्वत आनंद दे सकता है। ओम भवताप प्रणाशिने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां, जय मां। Now see the next video, it will be continued. Constantly continuation goes on. So to be continued. Jai Maa.